हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक की अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो होप सो आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से खुशी से आए होंगे। तो शुरू करते हैं आज सिलेबस डिस्कशन अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, तो ये है आपकी यूनिट 1, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करें तो आपकी सबसे पहले यूनिट आती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में आप जानते हैं कि क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके। एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इनके इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। अगर जस्ट हम इनके डबल बात करें तो इनका एटॉमिक मास होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास इज 23। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो भी सिंबल होता है उसमें एक एटॉमिक नंबर होता है, जो आप ऑलरेडी हर एलिमेंट का याद करके आए हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने याद रखी है पहले से, 20 तक एलिमेंट्स तो सभी को याद होंगे, उन सबके एटॉमिक नंबर भी सभी को याद होंगे। तो एटॉमिक नंबर आप अगर आपको याद है तो उसी का जस्ट डबल कर दें तो आपका एटॉमिक मास निकल आता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसी तरीके से आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सिंबल की बात करूं, सिंबल आपका क्या होता है, जैसे कि कार्बन ही ले लेते हैं क्योंकि कार्बन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो कार्बन का अगर मैं सिंबल लिखूं तो आपका जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं बात करूं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो ये हो गया कार्बन का, यानी कि इस एलिमेंट का आपका सिंबल। तो हम एटॉमिक मास में सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करेंगे, एटॉमिक नंबर याद करेंगे और साथ में सिंबल लिखना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपको एटॉमिक मास सभी का याद है तो आप उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बेसिकली एटम आपका क्या होता है, एक सिंगल कोई चीज़ है तो उसको हम एटम या एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एलिमेंट अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिलके एक क्या बनाते हैं, आपका मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसका अगर आपको मास निकालना है तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं सिर्फ सिंपल बात करूँ कार्बन की तो वो आपका क्या होगा, एटॉमिक मास, एटम का मास। अगर मैं बात करूँ सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन की तो वो क्या होगा, एटॉमिक मास। सिर्फ एक एटम के मास की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कि आपके दो एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर मिल रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब आप उसका मास निकाल रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और मैं अगर बात करूँ तो ये आपका होता है ग्लूकोज, C6H12O6। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो आपको सबसे पहले हर एक एटम का मास पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे बात भी की कि कार्बन जो है और उनको ऐड कर दीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, 12। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका डबल 16, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 16। और दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 44। ओके, तो ये आपका 44 यूनिट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। तो सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालना हम कैसे सीखेंगे,
जैसे C6H12O6 जिसको कि हम ग्लूकोज बोलते हैं, इस पे अगर आए तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? देखिए यहां सबसे पहले क्या है, कार्बन। कार्बन का क्या बोला मैंने अभी भी, 12 एटॉमिक मास। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, कितने एटम्स हैं सॉरी कार्बन के, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, देन प्लस करेंगे क्या है, 12 हैं आपके हाइड्रोजन, तो 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, देन प्लस करेंगे कितने हैं ऑक्सीजन के, 6 एटम्स हैं, तो 6 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी अभी मैंने आपको बताया 16 होता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसका आपका सॉल्व करके आएगा 180 यूनिट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर होता है H2O, तो वाटर में मैंने अभी अभी बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने एटम्स हैं 2, देन प्लस करेंगे ऑक्सीजन में कितने एटम का एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, 16, तो क्या हो गया 16 + 2 = 18 यूनिट। तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हम इसी तरीके से सीखेंगे। तो एटॉमिक मास अभी आपको पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल गया। अगर आप ये चीजें समझ गए हैं तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आराम से आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट और मोल कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो आपके एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आपके एक मोल में 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर। तो ये तो आप अभी की अभी ही याद कर लेंगे सभी लोग, जो नहीं, जिनको नहीं याद था और जो नहीं पढ़ के आए हैं वो इस चीज को अभी याद कर लेंगे, क्योंकि जब हम यूनिट 1 शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितने मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैंने बोला 2 मोल तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसी में हम कुछ डेफिनेशंस समझेंगे, जैसे कि जो हम पढ़ेंगे उसमें आपकी 4 डेफिनेशंस आती हैं। फर्स्ट आपकी आएगी मोलैरिटी, देन नेक्स्ट इज मोलैलिटी, देन नॉर्मैलिटी, मास परसेंट। ये आप चीजें हम पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मोलैरिटी जो होता है, इसका अगर मैं फॉर्मूला अभी आपको बताऊं तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ऊपर और नीचे लेते हैं डिवाइड में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो आपका क्या मोलैरिटी निकल जाता है। वहीं मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलैलिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पे आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इस मास परसेंट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी घबराना नहीं है इन फॉर्मूलेस को देख के, ये हम बहुत आराम से याद करेंगे, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। आपका मोलैलिटी प्रेफर क्यों किया जाता है, मोलैलिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं पेपर में, तो इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है उसमें, इसलिए प्रेशर का चेंज नहीं होता है। अभी घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू है कि ऐसी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहें इन चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बोहर मॉडल की। देखिए बोहर मॉडल जो है, हमारे एटम को लेके ना बहुत सारे मॉडल आए थे, जैसे पहला मॉडल आया था आप लोग पढ़ के भी आ चुके हैं, थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा था कि देखिए एटम का मॉडल कुछ ऐसा है कि जैसे कि तरबूज का मॉडल होता है,
उसमें क्या होता है, तरबूज में जैसे ऊपर ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं ना, उसमें उनको बोल दिया ये तो आपके इलेक्ट्रॉन है और जो रेड वाला पोर्शन है वो आपका सारा प्रोटोन है। तो आपका एटम जो है ये हो गया एटम का आपका स्ट्रक्चर, ऐसा उन्होंने मॉडल दे दिया। देन आपके रदरफोर्ड आए, उन्होंने थोड़ा अच्छा सा मॉडल दिया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बट वो भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आए बोर, जिन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल दिया एटम का। इन्होंने क्या कहा, बोर ने कहा कि आपका बीच में जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसके आसपास आपके डिस्क्रीट शेल होते हैं। डिस्क्रीट शेल यानी कि अलग अलग शेल हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और इन शेल्स में आपके क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सॉरी, तो इन्होंने क्या कहा, बीच में एक न्यूक्लियस है, आसपास अलग अलग शेल हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। इसी चीज को इन्होंने मॉडल दिया कि आपका एटम का मॉडल कुछ इसी तरीके से होता है। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीच में न्यूक्लियस है लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे घूम रहे हैं कि अंदर आते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती जा रही है वक्त के साथ, तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती जा रही है तो एक टाइम के बाद तो वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम बात करें तो आपकी एक टाइम के बाद तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो खत्म हो गया एटम, तो ये तो मॉडल ही गलत हो गया। तो ऐसे मॉडल को देखते हुए ये मॉडल आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत प्रूव हुआ। वहीं इन्होंने इसको इम्प्रूव करते हुए बोहर ने कहा कि देखिए आपके जो मॉडल के शेल्स हैं वो अलग अलग हैं, हर एक शेल अलग है, बीच में न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, देन चौथा शेल। इन शेल्स के उन्होंने नाम भी दिए, इन्होंने इन शेल्स को नाम दिया के एल एम एंड एन। ये आपका बोर मॉडल की बात हुई, जिसके बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो इनकी लिमिटेशंस थी वो भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये आपका हुआ 1.2 हमने डिस्कस किया। देन हम आते हैं डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। देखिए डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर जो है इसका मतलब ये था कि मैटर जो है ना, मैटर क्या है, आपके आसपास हर एक चीज़ जो है वो मैटर है ना। तो ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, एवरीथिंग अराउंड अस एंड विच सराउंड्स अस इज मैटर, है ना। तो मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये हाथ में मेरे जो पेन है ये भी क्या है, मैटर। ये बोर्ड भी मैटर है, हर एक चीज़ मैटर से मिलकर बनी है, मैटर है एवरीथिंग विच सराउंड्स अस। और ये मैटर किससे बना है, एटम से, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर की डुअल कैरेक्टर्स होते हैं। डुअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि उसका दो तरीके का नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये आपका क्या डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर हुआ। इसमें हम डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसका क्या था, फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो ये जो फॉर्मूले आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो आज ही एक पेज पे लिख लेना सभी लोग, ताकि सबको इतनी चीज़ें तो आज ही याद हो जाएं। तो जब पढ़ें तो आप मेरे को पहले से ही बता दें कि मैम हमें तो ये चीज़ ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, ये हमारा दिया था डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली ने लैम्डा कहा वेवलेंथ को, एम कहा मास को, वी कहा वेलोसिटी को। अगर मैं एच की बात करूँ तो एच आपका क्या होता है, एच होता है आपका एक प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी सभी लोग याद कर लेंगे, क्या होती है, 6.626 इंटू 10 रेस टू की पावर माइनस 34। ये आपकी क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट, ये भी सभी लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा, हीजनबर्ग ने कहा इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मास एंड मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल एट द सेम टाइम। मतलब बेसिकली इन्होंने कहा कि देखिए एक टाइम पे ना आप एक एटम की मास और वेलोसिटी
कैलकुलेट नहीं कर सकते एक साथ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी ही चीज़ है। तो इन्होंने इसके लिए ना कुछ एक फॉर्मूला दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन में 4y। इसको देख के भी घबराना नहीं है, यहाँ पे ये पोजीशन है x का मतलब, p का मतलब मोमेंटम है जिसका मतलब होता है m इंटू वी या मास एंड वेलोसिटी, और ये आपका क्या है h अपॉन में 4y। तो ये जस्ट फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, घबराना नहीं है, डिस्कस करेंगे ये कैसे आया क्यों आया। तो ये अभी हमने आपका ये डिस्कस कर लिया है, होप सो सभी को समझ आया होगा कि इन सब चीज़ों में हम जो पहले पढ़ के आ चुके हैं उसी के आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक्स को रिवाइज करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है आगे शुरू कर दिया पुरानी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू हुआ पहले पेज का। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ आपका है डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ SPDF ब्लॉक्स एंड उसके बाद आपके आते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके ऑर्बिटल्स जो हम कहते हैं, जैसे अभी मैंने देखे शेल कौन कौन से थे, KLMN शेल थे। ठीक है, उसके अलावा आपके जैसे हमने पीरियोडिक टेबल याद की थी, तो चार ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ठीक है, इन पे आपको एक याद क्या करना है, इनका नंबर, दैट इज 0, 1, 2, 3। कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में, इनकी वैल्यूज याद करने में। अब अगर आपको ये याद है ना, तो आप किसी का भी बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा, आपके क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, वो चार तरीके के होते हैं। चार तरीके के क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, क्या क्या, पहले होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं n। बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जो अभी मैंने बताया KLMN है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। आगे यानी कि अभी बात करेंगे क्वेश्चन में, इसको समझेंगे। नेक्स्ट आपके होते हैं azimuthal क्वांटम नंबर। azimuthal क्वांटम नंबर जो होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, जो आपके क्या होते हैं SPDF, यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये वाले, जिनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। थर्ड आपके होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होता है। बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये स्पिन बताता है, स्पिन यानी कि रोटेशन। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन अभी सीख के चले जाएंगे कि क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बताना है 4s की वैल्यू। 4s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें अगर मैं आपसे पूछू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, n क्या होता है, जो आपका पहला वाला नंबर आपको दिख रहा है ना, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n यहाँ पे हो गया 4। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका azimuthal क्वांटम नंबर बताइए, तो l आपका क्या हो जाएगा, s जो है वो l को रिप्रेजेंट कर रहा है, s की वैल्यू आप लोगों ने याद कर ली क्या है, 0। तो l हो गया 0। S हमेशा वही होगा, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। M की वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है, L से कम, यानी कि L से अगर मैं बात करूं कम की, तो यहां 0 और -1, यही दो चीजें आएंगी, इससे ज्यादा तो कम नहीं है कुछ भी। तो ये आपका आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से क्वांटम नंबर्स, इनकी सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ेंगे। होप सो ये आपका होगा, जैसे कि अगर मैं कुछ और बोलूं आपसे, बोलूं 6F का निकालो सारी चीजें, तो कैसे निकाल दोगे, निकाल सकते हो आराम से। इसका n क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि आगे नंबर 6 है। ऐसे ही l क्या हो जाएगा, f, f की क्या होती है 3, तो 3 हो गया। m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 3 से कम वाली सारी चीजें, यानी कि +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3, राइट। ऐसे ही s क्या हो जाएगा, सेम, प्लस हाफ एंड
माइनस हाफ, तो ये तो आपको निकालना आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अगली बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक चीज आज ही सभी लोग क्या याद कर लेंगे, एक फॉर्मूला, थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन देखिए जरूरी है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d10। तो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग याद कर लेंगे। अगर आपको ये याद है तो आप सारे एलिमेंट्स मोस्टली सबकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ये क्या है जो ऊपर आपके 2-2 दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से। ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ अभी कि अगर आपको ये याद है तो आप इसी बेसिस पे क्या सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर सभी को याद है 11, है ना। अब 11 के हिसाब से अगर मैं इसको फिल करूँ तो 1s2 यानी कि 2 हो गए, 2s2 4 हो गए, 2p6 कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, बचा 1। अगले में क्या आएगा 3s2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे क्योंकि पूरे हो गए 11। 1 और 6, 7 और ये कितने हो गए, 8, 9, 10, 11 यानी कि पूरे हो गए। अगर और ज्यादा है तो 12 वाले को यहां तक लिख देंगे। तो इसी तरीके से हम ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स में इसको फिल करते जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, सीख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो 3 अजीब अजीब से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके जो आप फिल कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरीके से फिल होंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी में। इंक्रीजिंग एनर्जी यानी पहले 1 आया है, 2 आया है, 2p आया है, 3 आया है, तो क्या है ज्यादा आगे वाली एनर्जी है उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ठीक है। आउटपुट प्रिंसिपल बस यही कहता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि देखो भाई जैसे आपने ये चीजें अभी अभी लिखी है ना, तो जो एस वाला है उसको ऐसे बनाओगे क्योंकि S वाले में सिर्फ आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P वाले में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक में आपके सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाते हैं, तो ये आपका P वाला है, ये S वाला है, D वाला जो होता है उसमें आपके 5 आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। F वाले में इस तरीके से आपके 7 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका F वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कहते हैं कि देखो भाई मैक्सिमम जो है ना आपका एक जो ऑर्बिटल है उसमें आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं भी आपने लिखे हैं तो ये जो लिखे हैं ये आपके हर एक ऑर्बिटल में, इसमें भी आपने 2 बनाए हैं, इसमें भी 2 बनाए हैं, इसमें भी 2 बनाए हैं, तो एक डब्बे में अगर 2 से ज्यादा कोई तीसरा आ जाता है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसी एक तरह से एक बात कहता है कि आपके ना जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ऑपोजिट स्पिन में होंगे, यानी कि एक ऊपर वाले डायरेक्शन में और एक नीचे वाले डायरेक्शन में, तो हमेशा ऐसे ही बनाओगे, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए हम इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बात हमने इस वाली स्लाइड पे कर ली। अगली स्लाइड पे आते हैं तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, सीटी के बैच में भी बात की थी, तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो हमारे दी थी हेनरी मोस्ले साहब ने। तो अगर इस पे हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जैसे अभी अभी देखा SPDF ब्लॉक है, तो ऐसे ही हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमारे S ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ जाते हैं, उसके बाद P ब्लॉक में हमारे आ जाते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो इसी तरीके से हमारे सारे ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो S और P के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना चाहूँ तो आपके ये वाले जो ब्लॉक होते हैं ये S होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले आपके P होते हैं, बीच में जो आ रहे होते हैं ये डी होते हैं, और नीचे जो होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम बात करेंगे। हर एक एलिमेंट को हम याद करेंगे जो एस ब्लॉक में आते हैं, जो पी ब्लॉक में आते हैं। बहुत सिंपल बात करेंगे, ऐसे घबराने की चीज़ें नहीं है। जैसे कि अभी कुछ एक आइडिया दूँ, तो पहला वाला जो एस ब्लॉक होता है, जिसे मैंने कहा यहाँ पे दो ग्रुप होंगे, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो वन में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको याद करने का देखो सिंपल सा तरीका है, लीची ना खा रब कोसेगा फिर, हो गया आपको। That is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ये आपका ग्रुप वन कंप्लीट हो गया। अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं, तो ग्रुप टू में आपके क्या आ जाते हैं, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, है ना। तो ये आपका ग्रुप टू याद हो गया। तो ऐसा तो आपको अभी की अभी ही याद हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं बात करूं आपकी पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में जैसे मैंने कहा ग्रुप 13 से लेके आपके 18 तक आ रहे हैं। तो अगर मैं इनको बताऊं तो देखो ग्रुप 13 याद करने का सिंपल तरीका है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसे घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से कि पता नहीं कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, पता नहीं बच्चे क्यों डर जाते हैं केमिस्ट्री से, है ना। अब देखो ग्रुप 14 में कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम देन एसएन एंड उसके बाद लेड, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए ग्रुप 14। देन नया पुराना आज सब बिकेगा, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड एजिमुथ एंड ये एंटीमनी बिस्मिथ, ठीक है। तो ये आपके हो गए ग्रुप 15। उस से टीपो इस ग्रुप 16, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम एंड पोलोनियम। उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो सिंपली याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये हेलोजन्स होते हैं हमारे ग्रुप 17 वाले, ये तो हम पढ़ के भी आ चुके हैं। ऐसे ही ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। नोबल गैसेस या इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का मतलब होता है जिनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये आपके स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हम किस किस को ऐड करते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़िनॉन। तो ये हम आराम से याद कर लेंगे। इसमें इसको भी याद करने का हेलेना और करीना एक्सी गई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स के थ्रू करेंगे, ऐसे कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम ब्लॉक्स की बात करेंगे जैसे अभी अभी हमने की, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग पे अगर मैं बात करूँ, तो केमिकल बॉन्डिंग यानी कि आपके जो एटम्स हैं अलग अलग उनके बीच में जो बॉन्ड है उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड की मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग होती किस वजह से है, ये तो पढ़ के आ चुके हैं ना। बॉन्डिंग इस वजह से होती है कि पहले वाले या दूसरे वाले एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो शेयरिंग कर ले मान लो। तो अगर वो शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि CO2 में है तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये आपका बॉन्ड ऐसे बना लेता है कि कार्बन ऑक्सीजन से ले रहा है और उसको दे भी रहा है, तो शेयरिंग कर रहे हैं दोनों, अच्छे लोग हैं। तो जो लोग शेयरिंग करते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है ना। ऐसे ही बात अगर आयनिक बॉन्ड की करें, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या फिर गेन कर ले, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम के 281 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आउटर मोस्ट में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाता है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो तो पॉजिटिव इंसान हो गया, दान देने वाला तो पॉजिटिव हो जाता है ना, और कोई ले रहा है तो वो तो नेगेटिव हो जाता है। तो वही वाली बात हमने कही है। तो अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है तो वो आपका क्या है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये आपका क्या, आयनिक बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो जैसे NaCl आपने देखा था, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है कि ये अपना पोटेशियम जो सोडियम है वो अपना आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहाँ है, हेलोजन है, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको एक की ज़रूरत है, तो वो एक इससे ले लेगा। तो एक ने दिया दूसरे ने लिया,
तो बॉन्डिंग बन गई ना, तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनमें आयन बने हुए हैं, चार्ज बने हुए हैं। उसी तरीके से अगर मैं मेटलिक बॉन्ड की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, इसमें हम कुछ मॉडल भी पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन सी और गैस मॉडल, जो मेटल, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं मेटलिक बॉन्ड। बेसिकली जो हमारे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं मेटल्स, और जो हमारे पी ब्लॉक होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होती है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जो गेन कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ओके, आगे बात करें तो हम यूनिट टू में बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर यानी कि H2O। H2O में अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो देखिए हार्डनेस होती किस वजह से है और टाइप्स क्या हैं आपके हार्डनेस के, यानी कि टेम्पररी और परमानेंट। तो इसमें हम कैल्शियम एंड सल्फेट सॉल्ट्स की बात करेंगे। अब देखिए अगर नॉर्मल सी बात करें ना, तो एक पैरामीटर क्या होता है कि अगर आपके किसी पानी में बहुत ज़्यादा झाग बन रहे हैं ना, फोम बन रहा है, तो वो आपका सॉफ्ट वाटर है। बहुत ईजीली अगर फॉर्म बन रहा है तो वो आपका कैसा वाटर है, सॉफ्ट वाटर। अगर उसमें आसानी से फोम नहीं बन रहा है, झाग नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। समझ आई बात कि हार्ड वाटर क्या होता है एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। इसी तरीके से हम इनके अंदर कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको, जैसे अभी मैंने कहा कैल्शियम एंड सल्फेट सॉल्ट्स, जिनकी बात हम आगे करेंगे। ऐसे ही ppm लिखा हुआ है, ppm यानी कि पार्ट्स पर यूनिट, ठीक है, एंड पार्ट्स पर मिलियन। इस तरीके से आप हम हार्डनेस ऑफ वाटर को कितना एक होना चाहिए जब हम उसको हार्ड वाटर कहें, तो इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस हम कैसे करते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो तो जैसे हमने बताया कि सबसे पहले तो उसमें झाग नहीं बनते हैं, तो हमारे स्किन के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो ऐसे बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बॉयलर प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर की वजह से, स्केल और स्लज बन जाता है, उसके अलावा जो फोमिंग वाला जैसे मैंने अभी बताया वो वाला प्रोसीजर होता है, और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है, उसकी भी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर के साथ। आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स तो जैसे कि मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, और मेटलॉइड्स कौन होते हैं, जो आपके दोनों की तरह बिहेव करते हैं, बोथ एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो आपके दोनों की तरह बिहेव करते हैं ना उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इन एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स में। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इंजीनियर बनने वाले हैं तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जो आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुड, तो वो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप बता ही देंगे, जो आपके फोन में भी प्रेजेंट होता है, क्या हम पढ़ते हैं सिलिकॉन पढ़ते हैं, तो वो भी आपका सेमीकंडक्टर होता है ना। तो सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ेंगे अलग चीज़ें। ऐसे ही बैंड थ्योरी पढ़ेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड्स की तो सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें सॉलिड की एक बैंड थ्योरी आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। ये मेटलर्जी भी पढ़ के आ चुके हैं थोड़ी सी। तो मेटलर्जी में हमने पढ़ा था एक मिनरल होता है और एक ओर होता है। तो मिनरल क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था सीईटी की प्रिपरेशन के टाइम भी, कि मिनरल क्या है, कोई भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका मिनरल। लेकिन उन मिनरल्स में से जो आपके प्रॉफिटेबली और इजीली जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको हम ओर कहते हैं। यानी कि सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे थे सब मिनरल थे, लेकिन जो आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो ओर हैं। ठीक है, गैंग क्या होते हैं, गैंग हमने याद किया था, गैंग होती है इम्प्योरिटीज। जो लोग गैंग में घूमते हैं वो गंदे होते हैं, तो इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। वैसे ही हमने पढ़ा था फ्लक्स के बारे में, जो होते हैं एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स।
जो आपका क्या करते हैं इम्प्योरिटीज यानी कि गैंग के साथ और ओर में जब हम एसिडिक फ्लक्स डाल दें तो वो क्या बना देगा, स्लैग बना देता है, जिस प्रोसेस को हम स्लैगिंग कहते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में और उनके ओर्स के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था पल्वराइजेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं और रोस्टिंग हमने याद किया था, रोस्टिंग में SRF और सल्फाइड ओर्स, फॉर कार्बोनेट ओर्स कैल्सिनेशन, क्योंकि उसमें सी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैल्सिनेशन, ये आपके क्या है एक्सट्रैक्शन के मेथड्स एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट के ओर्स को सेपरेट करने के लिए, और रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। तो ये हम इनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं जो हम पढ़ेंगे अच्छे से। देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। ये आपका आबे गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। देन रिडक्शन हम पढ़ेंगे मेल्टिंग जो फर्नेस में हम करते हैं उसके लिए, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये सारे आपके हम मेटलर्जी में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। आगे हम पढ़ते हैं एलॉयज। तो एलॉयज हम बोलते हैं मिक्सचर को एक तरीके से, जैसे कि लेड और कॉपर का आपका एलॉय होता है, तो ये हम एक मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। तो ऐसी जरूरत क्या पड़ी एलॉयज बनाने की, सोचने वाली बात है, एलॉय बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सभी लोग आज सर्च करेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देन हम अपनी फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पूछूंगी कि एलॉय की जरूरत क्या पड़ी बनाने की, क्या बेनिफिट्स थे। तो आज सभी लोग पढ़ेंगे इसको अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं CET के टाइम पे। उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे स्टील का, जिसमें आपके कुछ प्रोसेस आते हैं नॉर्मलाइजिंग, देन उसके बाद एनीलिंग जिसमें ज्वाइनिंग, क्वेंचिंग एंड देन टेम्परिंग। तो इन प्रोसेसेस को हम डिस्कस करेंगे इस वाली यूनिट में। वो हमारी थर्ड यूनिट भी देखिए खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और उसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, वर्ड जहां भी आ जाए लिसिस, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो आपका हम यहाँ पे ब्रेकिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स की। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। आपका आएगा डेनियल सेल सबसे पहले। तो ऐसे करके एक आपका देखिए आपका इस तरीके से एक बीकर होता है, उसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं, इसको हम कनेक्टेड रखते हैं एक वोल्टेज से, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है, एक एंड होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी जिसको यूज करते हैं। तो इस तरीके का कुछ हम सेटअप पढ़ेंगे, ठीक है, जो डेनियल सेल का होता है। देन हम अच्छे से डिस्कस प्रॉपर तभी करेंगे, क्योंकि अभी घबराना नहीं है कि एकदम से मैम ने क्या बता दिया, तो ऐसे आप डर जाओ तो इतनी चीजें भी नहीं करेंगे। तो ये हम डेनियल सेल पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली दो इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं जिनको कनेक्टेड करते हैं वोल्टेज से, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, एंड देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देन उसमें हम बैटरी की भी बात करेंगे, जैसे लिथियम होता है, लिथियम हमारा बैटरी में होता है। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी बैटरी जो कि लेड एसिड स्टोरेज बैटरी होती है, और लिथियम आयन बैटरी भी होती है, तो इनकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 कोरोजन सब पढ़ चुके हैं। कोरोजन क्या होता है, अब हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक होता है कोरोजन और एक क्या होता है जब हम ये कहते हैं प्रॉपरली अगर आयरन में जंग लग रही है तो हम रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन क्या है, अगर किसी भी मेटल में लग रही है, और अगर सिर्फ आयरन में लग रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग। तो ये क्या होता है, बेसिकली जंग लगना। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी पढ़ के आ चुके हैं और कोरोजन भी। तो कोरोजन में हम बात करेंगे कि कोरोजन होता क्या है, ऐसे ही वेट और ड्राई कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बात करें तो जैसे कि कोरोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल वाटर, टेम्परेचर, तो ये सारे फैक्टर्स कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और मेथड्स क्या है प्रिवेंशन के ऑफ कोरोजन, जैसे कि कुछ तो आपको याद होंगे, गैल्वनाइजेशन बाय ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ जिंक ओवर मेटल सर्फेस। तो ये वाली चीज़ें तो आपने पढ़ी थी, तो हम इन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लाइक गैल्वनाइजेशन एक मैंने आपको बता दिया, एंड बाय ग्रीसिंग भी हम अपने कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल्स और उनकी प्रॉपर्टीज की। तो फ्यूल्स में हमारे आ जाते हैं सबसे पहले हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, किलो कैलोरी, है ना। तो ये हमारी यूनिट्स की बात करेंगे, और भी जो जो यूनिट्स होती हैं क्या उसकी वैल्यू होती है, दैट इज 4.2। देन उसके बाद थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे HCV LCV की डुलोंग फॉर्मूला से। ये आपने नहीं पढ़ा है पहले तो नई चीज़ है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ड्राई एंड वेट कोरोजन तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे आइडियल फ्यूल जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए जो उसको हम आइडियल फ्यूल कहें। ऐसे ही पेट्रोलियम और उसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, एंड कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ CNG एंड LPG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो आपके सिलेंडर्स में होता है, और CNG जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और हमारा CNG इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस जो कि पोल्यूशन लेस कॉज करता है, इसी वजह से CNG को हम प्रेफर करते हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आपकी यूनिट है आपसे रिलेटेड, दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। तो ये तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। तो पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं, अगर किसी एक चीज़ की बहुत सारी यूनिट लगी हुई हैं, यानी कि अगर ये पेन है इसके बाद इसकी एक और पेन में लगा दूं इस तरीके से लाइन बाय लाइन, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो अगर किसी भी चीज़ की इस तरीके से यूनिट लगी हुई है सेम तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉलीमर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बहुत से पॉलीमर होते हैं, जैसे PVC, दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड, उनके मोनोमर्स वो हम लोग याद करेंगे किसके क्या होते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स में हमारे हम डिस्कस करेंगे जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, तो ये सारे प्लास्टिक्स के टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन यानी कि जिसमें वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पॉलीमराइजेशन यानी कि जिसमें पॉलीमर्स बन रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक मैंने जैसे अभी अभी कहा, ऐसे ही थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स भी होते हैं, इन्हीं पॉलीमर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे हमारे टाइप्स हैं पॉलीमर्स के एंड रिएक्शंस। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ पॉलीथीन, एंड जैसे मैंने अभी अभी कहा PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6 एंड बेकेलाइट, इन सब के हम जो मोनोमर्स हैं, क्योंकि ये सब पॉलीमर्स हैं, इनके क्या मोनोमर्स हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर हैं, सब हमें पढ़ने हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स में। इस यूनिट में आपको ये सब पढ़ने हैं, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर, बेकेलाइट का मोनोमर, उसका स्ट्रक्चर। तो लास्ट आपका होगा डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ गुड ल्यूब्रिकेंट्स, उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे ल्यूब्रिकेंट्स की उसके एग्जांपल्स के साथ, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ल्यूब्रिकेंट, जिसमें हम ऑयलीनेस पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी को रोकने की पावर। विस्कोसिटी के बाद उसका इंडेक्स देखेंगे, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एंड पोर पॉइंट। ये थोड़ी सी आपके सिलेबस में ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले कभी नहीं पढ़ के आए हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो घबराना कुछ नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम साथ हैं, हो जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो ऐसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से पार हो जाएगा। तो जैसे कि मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और केमिस्ट्री के हमारे पूरे सिलेबस का डिस्कशन हमने आज कर लिया है, तो किसी को घबराना तो है नहीं बिल्कुल भी। तो आगे हम बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, एंड थैंक यू।